हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर ऑल। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच मोर वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट वीडियो अबाउट मेडिकल डिसीज और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इट्स अ थर्ड पार्ट ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देयर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर। सो नाउ लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज लंबर वर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन कॉमनली अकर्स इन, ऑप्शन L1 to L2 वर्टिब्रा, T3 to T4 वर्टिब्रा, L5 to S1 वर्टिब्रा एंड L2 to L3 वर्टिब्रा। राइट आंसर इज L5 to S1 वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन कॉमनली अकर्स इन L5 to S1 वर्टिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन कॉजेस, ऑप्शन हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपरनेट्रेमिया। राइट आंसर इज हाइपोकैलेमिया। रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन कॉजेज हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, ऑप्शन CK-MB, ट्रोपोनिन फर्स्ट, मायोग्लोबिन एंड CK। राइट आंसर CK-MB इज द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, CK-MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया इज, ऑप्शन एक्यूट एंड क्रॉनिक मास्टाइटिस, रिवर्सिबल हियरिंग लॉस, इन्फेक्शन एंड इंटरनल इंजरी। राइट आंसर इज अक्यूट एंड क्रॉनिक मास्टाइटिस। द कॉम्प्लिकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट आफ्टर हेमरोइडेक्टोमी, हिज पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर इंक्लूड सिट्स बाथ एवरी मॉर्निंग, नर्स अंडरस्टैंड दैट द सिट्स बाथ इज नेसेसरी टू, ऑप्शन रिलीव टेंशन, प्रमोट हीलिंग, लोअर बॉडी टेम्परेचर एंड रिड्यूस पेन। राइट आंसर इज प्रमोट हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस ऑफ एनीमिया इन ए पेशेंट्स, एक्सपेक्ट, ऑप्शन येलोनेस ऑफ द स्किन, टैकिकार्डिया, डिस्निया ऑन एक्सर्शन एंड लिथार्जी। राइट आंसर इज येलोनेस ऑफ द स्किन। येलोनेस ऑफ द स्किन इज नॉट साइन ऑफ एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पल स्पाज्म व्हेन द अपर आर्म इज कंप्रेस्ड टू कॉज इस्केमिया टू द नर्व्स डिस्टली इज, ऑप्शन होमन साइन, क्रोस्टेक साइन, कर्निंग साइन एंड ट्रोजस साइन। राइट आंसर इज ट्रोजस साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू ओरोफिकल रूट, ऑप्शन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी। राइट आंसर इज हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए स्प्रेड थ्रू ओरोफिकल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट्स अर्ली सिम्टम इज, ऑप्शन टोसिस, पैरालिसिस, सलाइवेशन एंड डिस्फेजिया। राइट आंसर इज प्टोसिस। इन मायस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट्स अर्ली सिम्टम इज प्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्टोस्कोपी इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट,
ऑप्शन यूट्रस, लोअर रेक्टम, यूरेटर एंड ब्लैडर। राइट आंसर लोअर रेक्टम। प्रोक्टोस्कोपी इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट लोअर रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरल ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन एसाइक्लोविर, धामब्यूटल, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। राइट आंसर इज एसाइक्लोविर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन हेमेंजियोमा, लिपोमा, मायोमा एंड एडिनोमा। राइट आंसर इज हेमेंजियोमा। बेनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड हेमेंजियोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवर्डन नोट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ऑप्शन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया अर्थराइटिस एंड सपोर्टिव अर्थराइटिस। राइट आंसर इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। हेवर्डन नोट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज। ऑप्शन इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा, लोब्यूलर कार्सिनोमा, कोलोइड कार्सिनोमा एंड मेडुलरी कार्सिनोमा। राइट आंसर इज इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हैव हाई रिस्क ऑफ कार्सिनोमा इन ब्रेस्ट। ऑप्शन वुमेन हैविंग अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज, वुमेन हैविंग फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर एज ऑफ 35 ईयर्स एंड नलीपेरस वुमेन एंड वुमेन हु अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। वुमेन हैव हाई रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज ऑल ऑफ द अबव। वुमेन हैविंग अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज, वुमेन हैविंग फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर एज ऑफ 35 ईयर्स एंड नलीपेरस वुमेन एंड वुमेन हु अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन क्लिनिकल सिम्टम ऑफ हिएटल हर्निया इज। ऑप्शन हार्टबर्न, वॉमिटिंग, पेन इन इनगुइनल एरिया एंड बर्निंग मिक्सुरेशन। राइट आंसर इज हार्टबर्न। हार्टबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग कैटरेक्ट सर्जरी ऑफ अ पेशेंट द नर्स शुड। ऑप्शन टीच द पेशेंट कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग टेक्निक, एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड विगोरियस ब्रशिंग ऑफ टीथ एंड हेयर एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड विगोरियस ब्रशिंग ऑफ टीथ एंड हेयर। इन कैटरेक्ट सर्जरी ऑफ अ पेशेंट द नर्स शुड एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड विगोरियस ब्रशिंग ऑफ टीथ एंड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ ट्रकियोस्टोमी ट्यूब। ऑप्शन डैमेज टू द लैरिंजियल नर्व, पल्मोनरी एडिमा, रूमेटिक हार्ट डिसीज एंड ट्यूबरक्लोसिस। राइट आंसर इज डैमेज टू द लैरिंजियल नर्व। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ ट्रकियोस्टोमी ट्यूब इज डैमेज टू द लैरिंजियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग डायरिया एज अ साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। ऑप्शन इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस एंड फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। राइट आंसर इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। A patient is experiencing diarrhea as a side effect of chemotherapy. The nursing diagnosis has highest priority is fluid volume deficit. Next question.
Which drug is used in inflammatory disease of the eye? Option: acetazolamide, atropine, pilocarpine and cortisone. Right answer is cortisone. Cortisone drug is used in inflammatory disease of the eye. Next question. Main clinical symptom of open angle glaucoma is or glaucoma is option constant blood vision, impairment of peripheral vision, a sudden complete loss of vision and sudden attack of acute pain. Right answer is impairment of peripheral vision. Open angle glaucoma is main clinical symptom is impairment of peripheral vision. Next question. Which of the following is a clinical feature of chronic open angle glaucoma? Option: eye pain, colored light flashes, decreasing peripheral vision, and all of the above. Right answer is all of the above. Clinical feature of chronic open angle glaucoma is eye pain, colored light flashes, and decreasing peripheral vision. So right answer is all of the above. Next question. Which following is the commonest symptom of cataract? Option: halos and rainbows around light, blurred and lazy vision, eye pain and irritation that worse at night, and none of the above. Right answer is blurred and lazy vision. Commonest symptom of cataract is blurred and lazy vision. Next question. Which of the following is not a risk factor for hearing loss? Option: repeated chronic ear infections, exposure to high intensity sound waves, prenatal rubella infection, and taking antibiotic medicine. Right answer is taking antibiotic medicine. Taking antibiotic medicine is not a risk factor for hearing loss. Next question. Most common site of cancer among female is option: vagina, uterine cervix, fallopian tube, and uterine body. Right answer is uterine cervix. Uterine cervix is the most common site of cancer among female. Next question. Which drug is not used in Meniere's disease? Option: glucocorticoids, antiemetics, diuretics, and histamine. Right answer is glucocorticoids. Glucocorticoid drugs is not used in Meniere's disease. Next question. In following, which is side effect of nitroglycerin? Option: vomiting, headache, diarrhea, and constipation. Right answer is headache. Headache is the side effect of nitroglycerin. Next question. Which of the following surgery is performed for chronic otitis media? Option: mastoidectomy, tympanotomy, tympanoplasty, and oculoplasty. Right answer is tympanoplasty. Tympanoplasty surgery is performed for chronic otitis media. Next question. After cataract surgery, a patient complains of nausea, which is the best nursing intervention? Option: advise patient to take rest, notify the doctor, administered prescribed antiemetics, and no need of any intervention. Right answer is administered prescribed antiemetics. Next question. Which of the following is a risk factor for colorectal cancer? Option: a diet high in calcium,
डाइट लो इन कैल्शियम, लो इन विटामिन सी, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स एंड हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट। राइट आंसर इज हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट। रिस्क फैक्टर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर इज हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनिटस इज ए ऑप्शन, सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, ड्रामल सिम्टम एंड फंक्शनल। राइट आंसर इज सब्जेक्टिव सिम्टम। टिनिटस इज अ सब्जेक्टिव सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज ऑप्शन, मेनिंजियोमा, ग्लियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा एंड पिट्यूटरी एडेनोमा। राइट आंसर इज ग्लियोमा। ग्लियोमा इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टाइल चेंज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर इज ऑप्शन, डिक्रीज फैट इनटेक, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट एंड एडिक्वेट रेस्ट एंड अवॉइड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज अवॉइड स्मोकिंग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टाइल चेंज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर इज अवॉइड स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्किन कैंसर हैज द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस, ऑप्शन मेलिग्नेंट मेलेनोमा, सेबेसियस सिस्ट, ग्लियोमा एंड बेसल सेल एपिथेलियोमा। राइट आंसर इज मेलिग्नेंट मेलेनोमा। मेलिग्नेंट मेलेनोमा है पुअर प्रोग्नोसिस, पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टिव वॉमिटिंग इज द फीचर ऑफ ऑप्शन, ड्यूडेनल एट्रेसिया, पाइलोरिक स्टेनोसिस, कंजनाइटल मेगाकोलन एंड अपेंडिसाइटिस। राइट आंसर इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। प्रोजेक्टिव वॉमिटिंग इज अ फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली वार्निंग साइन फॉर द कैंसर ऑफ लंग्स, ऑप्शन डिस्फेजिया, परसिस्टेंट कफ, अफेजिया एंड अनयूजुअल ब्लीडिंग। राइट आंसर इज परसिस्टेंट कफ। परसिस्टेंट कफ इज द अर्ली वार्निंग साइन फॉर द कैंसर ऑफ द लंग्स।